सकते हो कितनी अच्छी लाइटिंग वगैरह है ना, बढ़िया सी एकदम मस्त। आज हम फिर निकल चुके हैं घूमने, आज हम निकले गाड़ी से और हम पांचों साथ जा रहे हैं, अधिका के चाचा चाची, उसके पापा और मैं, अधिका। आज हम लॉकडाउन के बाद बहुत दिनों बाद कार से निकल रहे हैं, वो भी एक साथ घूमने हम जाते हुए, लेकिन बैक साइड वाले एरिया में जाते हुए, इधर उधर जाता थोड़ी दूर जा रहे हैं। और हमेशा हम बाइक से जाते थे इतने दिनों तक, लेकिन इतने दिन बाद आज हम गाड़ी से जा रहे हैं एक साथ। तो देखिए फ्रेंड, आज हम अधिका को कहाँ लेके जा रहे हैं, एक सस्पेंस भी बना रखा है मैंने कि मैं लास्ट में ही बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं लास्ट में या वीडियो के बीच में, तो आपको वीडियो कंटिन्यू देखना पड़ेगा इसके लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आप इन्जॉय करें वीडियो और देखिए कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं अधिका को घूमने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अधिकास मामा चैनल, और करते हैं न्यू व्लॉग की शुरुआत। आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि हम जा रहे हैं घूमने, हमने पहले ही बताया आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, और देखिए आपको भी ले जा रहे हैं हम आज वहाँ, लेकिन थोड़ा सरप्राइज है कि हम कहाँ जा रहे हैं हम लास्ट में बताएंगे। और ये अधिका के चाचू, पापा, अधिका और उसकी चाची, और फ्रेंड्स ये जानने के लिए कि हम किस जगह जा रहे हैं उसके लिए आपको हम वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और फ्रेंड्स व्यू देखना, आप वास्तव में बड़ा अच्छा व्यू है, हमें तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। आई होप आप लोग भी वीडियो को देखे काफ़ी इन्जॉय करोगे। एक अच्छा वेदर बना, मतलब मौसम बड़ा अच्छा है, हल्के हल्के बादल लगे हैं, हल्की धूप है क्योंकि कल रात बहुत बारिश हुई थी, तो उससे अच्छा ठंडा मौसम बना हुआ है, तो आज अच्छा है घूमने फिरने के लिए। तो हम निकल पड़े हैं एक नई जगह के लिए। फ्रेंड्स हम बस पहुंचने ही वाले हैं जहां हमें जाना है, आप थोड़ा सा वेट और कीजिए और चलिए हमारे साथ, और आगे देखते रहिए, बड़ा अच्छा मिलेगा आपको देखने को। और फाइनली हम इस जगह पहुंच चुके हैं जहां हमें जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी लोग आए हुए हैं, और अब हम करेंगे गाड़ी पार्क, क्योंकि माँ भी नहीं लेके जाएंगे क्योंकि रास्ता थोड़ा भीड़ा सा है और थोड़ा सा रोड भी कच्ची है, और ऑलरेडी कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियाँ रास्ते में लगाई हैं, तो हम पीछे ही लगाएंगे। मैं भी ठाकुर करने को कहती हूँ, तो अधिका का थोड़ा सा मूड ख़राब है, ये देखो अभी मैं दिखाती हूँ अधिका का, ये देखो अधिका का मूड ख़राब उसकी चाची से मनाते हुए, क्योंकि अधिका को लग रहा था कि हम लोग शॉपिंग जाएंगे, मॉल वॉल जाएंगे घूमने, लेकिन हमसे दूसरी जगह लेके आए हैं, तो वो थोड़ा सा नाराज़ हो गई है। चलो कोई ना, आगे खुश हो जाएगी थोड़ा, जब देखिए सब देखने को मिलेगा तो उससे अच्छा लगेगा, उसका मूड चेंज हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं अंदर की तरफ, यहाँ से मैं आगे के लिए थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा। ये देखो एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है, ये कितना अच्छा इसका इंटीरियर है, बाहर का देखिए कैसा बनाया हुआ है, ये अंदर गुफा से जाने के लिए। और इसी बीच अधिका को लगी प्यास, और मैं दिखाती हूँ ऊपर का व्यू, ये देखो उस जहाँ मैंने दिखाया था ना रेस्टोरेंट, उसका ऊपर का व्यू ऐसा है। अभी हम इसके अंदर जाना है, काफ़ी लोग बाहर आ रहे हैं क्योंकि लोग पहले आ गए होंगे हमसे पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वो जगह जहाँ आ रहे हैं, व्यू देखिए, कोई सामने बोटिंग कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, छोटी छोटी सी नाव दिख रही हैं इतनी दूर से, ये कुछ लोग भी दिखाई देते। और ये अधिका फिर अब आ गई अपनी मस्ती में, अपने पापा का हाथ पकड़ हुए छोटी सी दीवार उसके ऊपर चढ़ रही है,
पूरी सेफ्टी के साथ। और फिर पापा ने उसे पीछे सपोर्ट कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं ताकि कहीं पैर वैर ना फिसले। तो अगर पैर फिसले तो फ्रेंड्स सीधा पानी में, मतलब ये चाचा चाची दिखा के। चलो फ्रेंड्स आगे ले चलते हैं आप। लोग भी काफ़ी आए हैं और फ्रेंड्स गर्मियों के दिनों में तो ऐसा ही व्यू अच्छा लगता है कि पानी हो आसपास, हरी भरी जगह हो, छोटा सा गार्डन, वहाँ पर भी लोग सैर कर रहे हैं। मुझसे पता है और फ्रेंड्स सब मुझे तो देखने में सबसे मज़ेदार व्यू यही लगा कि सामने से एक यहाँ का कोई बंदा नहीं, केयर टेकर टाइप जो नहीं हो गया बंदा है, वो एक बोट चलाते हुए से मैं दिखा रही हूँ। ये सबसे शानदार व्यू था, मुझे तो ये सबसे ज़्यादा पसंद आया देखने में। कितना अच्छा पीछे से जो लहरें हैं उसकी आ रही है, देखो कैसे आ रही है। मतलब कोई टूरिस्ट वगैरह नहीं, मतलब ये है जो लोकल, मतलब यहाँ पर जो देखभाल करते हैं उन्हीं का कोई ऐसे है। अभी इस एरिया का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, मतलब एक दो साल में ही हो जाएगा। मतलब आते हैं लोग, कम आते हैं क्योंकि ना वो है नहीं अभी। ये देखो फ्रेंड्स कर लो, चारों से टिकॉक बनाया गया है, पूरा प्रॉपर नहीं बनाया लेकिन कोशिश की गई है वैसे शेप देने की। छोटे छोटे हम इसका डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग, मतलब ताकि इसको भी अच्छा सा एक टूरिज्म प्लेस बनाया जाए कि मतलब लोग कहीं घूमने के लिए अच्छा माहौल मिले। फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने भी ऐसा कुछ व्यू देखा कोई अच्छा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब हम अंदर पार्क में जाते हुए अधिका देखेंगे, पापा उसके चाचा जी पहले ही घुस चुके हैं और हम तीनों अब जा रहे हैं। इस बोर्ड को देखकर थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा कि हम कहाँ आए। जो लोकल बंदे हैं स्पेशली जैसे न्यू चंडीगढ़, ये मुल्लापुर, नयागांव, इस साइड के जो बंदे हैं उनको पता है इस एरिए के, मलका पता होगा शायद। अब हम वापस दौड़ते हुए, क्योंकि हम अंदर गए थे लेकिन काफ़ी, मतलब अब अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि काफ़ी लंबा है अंदर जाने के लिए और हम इसलिए घुसे नहीं अंदर। हम वापस आ गए हैं अंदर रास्ते से क्योंकि हमें पता है कि क्लियर हो जाएगा अंधेरा, वैसे हम घर से लेट हो गए हैं तो फिर अंदर जाने का फ़ायदा नहीं, इसलिए हम यहीं से वापस लौटे। जितना देखना था बढ़िया था अंदर, आप और अच्छा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमें वो जगह जहाँ हम आज आए थे, हम मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि हम आज अधिका और हम सब जा रहे हैं घूमने, तो वो जगह ये थी। यहाँ आते थे हमें थोड़ा अंधेरा हो गया है क्योंकि हम घर से थोड़ा लेट हो गए थे निकलने में, तो अब
अधिका के पापा और सब हम एक साथ रिवील करेंगे वो जगह, किस जगह का नाम को क्या है। यहाँ आप लोग भी आ सकते हो। ये देखो ये अधिका के पापा, चाची और ठीक कुछ बात करते हैं। हेलो, फाइनली अधिका के पापा चाची और श्रीवी और अधिका बताएंगे हम कौन सी जगह आए हैं। अधिका बताओ, जगह का नाम बताओ अधिका। अब अधिका के पापा चाची और सब रिवील करेंगे हम ये कौन सी जगह है। जगह का नाम बताओ, कौन सी जगह है। सिसवा डैम। तो गाइस ये थी सिसवा डैम और यहाँ आप भी आ सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। लेकिन ये है कि थोड़ा अंधेरा हो गया, हम लोगों को टाइम से आओ तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। और ये अधिका थोड़ा नाराज़ होते हैं। अधिका ये देखा, अधिका मुंह छुपाते हुए, तो गाइस बहुत नाराज हो गए, गुस्सा हो चुकी है अधिका मार्स हम लोगों से। गाइस एक यहीं के एक अंकल है, वो कह रहे हैं अगर आप टाइम से आते तो और भी अच्छा व्यू होता, हम और आगे जा पाते। अगर आप मोहाली या न्यू चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं तो ये बेस्ट प्लेस है आपके लिए पिकनिक, जैसे बच्चों को लेके आने के लिए। अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा पहले आते हैं हम एक दो घंटे पहले जैसे, तो फिर और आगे तक जाते हैं। वो देखो तो वो सामने रोड साइड दिख रही है, वहीं को हमको वापस जाना है। गाड़ी हमने तो पार्किंग में खड़ी की है, कम से कम 2 किलोमीटर तक तो पैदल चलने से वॉकिंग वो है ट्रैम, और फिर हम पैदल पैदल जा सकते हैं जैसे वो लोग जा रहे हैं, ऊपर हम नीचे जा रहे हैं। कितना अच्छा व्यू लग रहा है। ये अधिका चढ़ चुके हैं मेरे पापा की पीठ में, क्योंकि हम जल्दी जल्दी घर के लिए। फ्रेंड्स अब हम बिल्कुल भी लेट नहीं कर रहे हैं, हम जल्दी जल्दी वापस लौट रहे हैं क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो चुका है और अधिका के पापा निकल चुके हैं आगे, चाची भी और मैं भी जल्दी जल्दी उनके पीछे चल रही हूँ। हमें मिल गई हैं बेस से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आप आके देखिए और इस वीडियो का एंड ज़रूर देखिएगा। लास्ट में इतनी मस्त लाइटिंग दिखाऊँगी मैं जो बढ़िया हुई। जल्दी जल्दी चलते हैं, फिलहाल लेट हो गया है काफ़ी, अंधेरा भी हो गया है। ये मिल गई हमें सीढ़ियाँ, फटाफट हम ऊपर, पहले जो मेन ऊपर है उसमें चलते हैं जहाँ पे अधिका पापा चाचा खड़े हैं वहाँ वेट कर रहे हैं। हम भी जल्दी जल्दी निकलते हैं।
जल्दी जल्दी निकलते हुए अधिकारी आगे भागी है वो और गाड़ी के पास। देखो फ्रेंड्स आदित्य लोग जा भी चुके हैं, एक आते ही गाड़ी बची है। और फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियोस पसंद आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस की ताकि आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहें। और फ्रेंड्स आपकी जो आपका जो प्यार होता है मतलब हमारी वीडियो को देखते हो तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, आगे भी हम आपके साथ ऐसे ही वीडियो शेयर करते रहेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, अब हम निकल चुके हैं घर के लिए, फाइनली गाड़ी में सब बैठ चुके हैं। तो फ्रेंड्स आपकी वीडियो एंजॉय, तब तक के लिए बाय।